हेलो एवरीवन, पूजा की किचन में आपका आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए कितनी अच्छे से हमारी कलरफुल मिठाई बनकर तैयार हुई है। कितनी स्वीट लग रही है हमारी मिठाई, कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी मिठाई। देखिए कलरफुल बनकर तैयार हुई है हमारी मिठाई, ये देखिएगा। बाज़ार में आपको पता ही है इस तरीके की मिठाई हमारी बहुत ही महंगी मिलती है। आप इसे घर के सामान से ही बना सकते हैं। ये देखिएगा कितने अच्छे से लग रही है हमारी मिठाई। देखो आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। आप जैसे कि दिवाली भैया दूज आने वाला है तो आप उस पर भी बना सकते हैं ये मिठाई। देखो अब इसे आप दोस्तों अब इसे हम बनाना अब शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। आप इसे ताजी नारियल के बुरादे से भी बना सकते हैं। ये मैंने जो किनारे पे शॉप पे मिलता है नारियल का बुरादा मैंने वो लिया है। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। टेस्ट के हिसाब से आप चीनी ले सकते हैं, कम ज़्यादा 1.5 कप भी ले सकते हैं। इसे मैंने नॉर्मल चीनी ली है, आप इसे चीनी पीसी भी ले सकते हैं। ये मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया था। ये मैंने उबला हुआ दूध लिया है मलाई वाला, 1 कप मैंने डाल दिया है। देखिएगा आप इसके बदले कच्चा दूध भी ले सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप डाल रही हूँ अब इसमें। इसे हमें अच्छी तरीके से चलाना है, तब तक चलाना है तब तक हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए, कलर ना चेंज हो जाए इस दूध का। इसे चलाते रहना है, तब तक चलाना है तब तक इसके अंदर अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। ये देखिए उसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ज़्यादा सब्सक्राइब करना। देखो इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है दूध के अंदर। इसे बिल्कुल साइड की जो उसकी मलाई है वो भी हटानी है साइडों से, गाढ़ापन ना आ जाए जब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, चलाते रहना है हमें इसको बिल्कुल। ये देखो गाढ़ा हो चुका है हमारा दूध, देखिएगा। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी भी तब तक इसके अंदर चलानी है दूध के अंदर तब तक इसको कलर ना छोड़ दे दूध के अंदर चीनी। देखो हमारे अच्छे से इसको चीनी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है दूध के अंदर। ये देखिएगा कलर भी छोड़ दिया इसने। ये देखो गाढ़ा हो रहा है हमारा दूध इसके अंदर चीनी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसमें हम नारियल का बुरादा गिर देते हैं, इसे भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है इसको हमें। आप ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है इसलिए लग रहा है, क्योंकि हम इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे चला दे तब तक रहना तब तक गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिएगा हमारी मिठाई बहुत ही बहुत अच्छी से बनकर तैयार होएगी। ये देखो गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ, कटोरी में डाल के दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी थोड़ा सा गर्म है ये, इसका हमारे मिठाई का मिक्सन पकड़ा नहीं जा रहा है हाथ के अंदर। ये देखिएगा वैसे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, 2 बाउलों के अंदर कर दिया है। अब मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया था दूसरे मिक्सन के लिए। ये देखिए कलर आप मिठाई का कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ। पाउडर वाला भी आप ले सकते हैं फूड कलर, ये मैं लिक्विड वाला ले रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है फूड कलर भी, दोनों हमारे मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये इसे हम साइड में रख देते हैं। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया थोड़ा सा, इस तरीके के मेरे पास ढक्कन पड़ा था तो मैं अब इसे इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ और इस पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसमें हम डाल देते हैं, क्योंकि हम इसे मिठाई में हमारी बहुत भी अच्छे से हमारी मिठाई दिखाई देगी नारियल के बुरादे लगाने से। इस एक्स्ट्रा जो हम निकाल देते हैं नारियल का बुरादा, जो हमारा मिक्सचर है ऑरेंज वाला, हम उसको एक अच्छे से एक साइड बिल्कुल सेट कर देते हैं। ये देखिएगा दूसरी साइड भी हम अच्छी तरीके से इसे वाइट वाले को लगाना है, वाइट वाले मिक्सचर को लगाना है। बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए हमारी ढक्कन के अंदर, बिल्कुल भी अच्छे से बिल्कुल सेट होना है, सेट कर देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत ही जल्दी मिठाई बनकर ये तैयार होती है।
बिल्कुल अच्छे से सेट करनी है हमें मिठाई को, ढक्कन के अंदर मिठाई बिल्कुल अच्छे से, ये देखिएगा बिल्कुल हमने अच्छे से, देखो कितने अच्छे, वाओ कितने अच्छे से हमारी मिठाई बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये देखिएगा नारियल के बरूदे से कितनी अच्छी लग रही है हमारी मिठाई। इस तरीके से मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखा रही हूँ। ऑयल लगा दिया ढक्कन के अंदर, नारियल का बरूदा भी घेर दिया इसमें हमने अच्छे तरीके से। अब हमने मिक्सन जो लिया है ऑरेंज वाला वो भी इसमें अच्छे से वन साइड कर दिया है, दूसरा वाला भी वाइट वाला भी अच्छी तरीके से हमने लगा दिया है बिल्कुल अच्छे से। इसको भी बिल्कुल सेट करना है ढक्कन के अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वाओ कितने अच्छे से हमारा तैयार हुई है मिठाई दूसरी भी। इस तरीके से हमें सारी मिठाई बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए हमने कर लिए सारी मिठाई तैयार बनाकर, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। देखो कितने अच्छे से हमारी कलरफुल मिठाई बनकर तैयार हुई है। इस पे मेरे पास और रेड वाली और ग्रीन वाली टूटी फूटी पड़ी थी, वो भी हम अच्छे से इसे डेकोरेट कर देते हैं। इससे मिठाई हमारी और भी अच्छे से तैयार होएगी मिठाई। इसी तरीके से हमें अपनी सारी मिठाई बनाकर तैयार कर लेनी है। आओ कितने अच्छे से हमारी देखो मिठाई बनकर सारी तैयार हो चुकी है। देखो हमने कितने अच्छे से इसको सजा दिया मिठाई को। मेरे पास ये वाइट रंग की सिल्वर बॉल्स पड़ी हुई थी, हम वो भी इसे अच्छे से लगा देते हैं और भी हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से स्वीट बनकर तैयार होएगी। देखिए कितने अच्छे से लग रही है हमारी मिठाई। देखिए सब कुछ हमने बिल्कुल तैयार कर दिया मिठाई। देखिएगा मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ मिठाई को, कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है मिठाई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।